टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं तिशा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बाढ़ बारिश की, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने अब कहर बरपाया हुआ है। केदारनाथ के भीमबली में बादल फट रहा है, बादल फटने से 9 लोगों की मौत हो चुकी है तो 5 लोग लापता है। भीमबली में करीब 200 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं और 25 मीटर तक जो पैदल रास्ता है वो पूरी तरह से बादल फटने की वजह से, पानी की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बादल फटने और भारी बारिश से बहुत ज्यादा नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है और साथ ही लोगों को भारी समस्याओं का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। बादल फटने की वजह से हर जगह जलभराव, जलजमाव की स्थिति देखने को मिल रही है और करीब 20 से 25 मीटर का पैदल रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहां पर आपको बता दें कि करीब 200 से ज्यादा तीर्थयात्री फंसे हुए हैं जो केदारनाथ पहुंचे थे दर्शन करने के लिए और इसकी वजह से अब पूरा रास्ता बादल फटने की वजह से बंद हो गया है। उत्तराखंड के और भी कई इलाकों से बादल फटने की घटनाएं और खबरें सामने आई है और यहां पर बता दें कि कई लोग लापता हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं, यानी कि ये बारिश अब आफत बनकर बरस रही है और लोगों पर कहर बरसा रही है। इससे पहले लोग इंतजार कर रहे थे बारिश का, गर्मी से निजात पाने के लिए, उमस भरी गर्मी से निजात पाने के लिए, और अब ये बारिश कहर बरसा रही है। और टिहरी से आ रही एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें जखनियाली में भी बादल फटने की खबर सामने आई है, मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है तो वही टीम के साथ जिला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। मौके पर एमएलए शक्तिलाल शाह, डीएम भी मौजूद हैं और सरकार की तरफ से हर संभव मदद यहां पर लोगों को, बाढ़ प्रभावित लोगों को, पीड़ितों को लगातार की जा रही है। यहां पर बादल फटने की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इससे पहले जिस तरह से बता रहे थे केदारनाथ में भी बादल फटने की वजह से काफी दर्दनाक और दुखद तस्वीरें, बेहद चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई थी और अब एक बार फिर से टिहरी से भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही है। यहां पर प्रशासन की तैयारियां नाकाफी साबित हो रही है। जखनियाली में भी बादल फटने की खबर सामने आई है जिसके बाद यहां पर हर जगह जल जमाव, जल भराव की स्थिति है। यहां पर एमएलए मौजूद है, डीएम मौजूद है और मौके पर पूरी प्रशासनिक टीम, पूरा प्रशासनिक अमला जिसकी तैनाती की गई है और यहां पर बचाव कार्य जारी है। सरकार का कहना है कि हर संभव प्रयास और मदद मिलेगी। यहाँ पर जखनियाली और मेलगांव के आसपास जो क्लाउड बस्ट हुआ था उससे जखनियाली में 3 जनानी हुई है, 3 लोगों की डेथ हुई है और एक ही परिवार के हैं वो। उसके अतिरिक्त कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज हुए हैं, जैसे कि एक ब्रिज यहाँ पर जो एक मेन हाईवे था हमारा, उसका ब्रिज डैमेज हुआ है और कुछ पशुहानि भी हुई है। बाकी जो हमारे राहत बचाव कार्य कल रात से ही लगातार चल रहे हैं और जो भी लोगों की आवश्यकता है, जो भी नीड है, उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं और आगामी आने वाले टाइम में, क्योंकि वैसा बताया जा रहा है कि पहले भी यहाँ पर ऐसी, 10 साल पूर्व भी यहाँ पर ऐसी ही सिमिलर एक आपदा आई थी, तो उसके लिए परमानेंट नेचर के क्या हम रिलीफ वर्क कर सकते हैं उस पर भी ध्यान देगा। और एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इस आपदा को लेकर इसका निरीक्षण करने के लिए सीएम धामी टिहरी पहुंच चुके हैं, आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने स्थिति का जायजा लिया यहां पहुंचकर और हर संभव सहायता का आश्वासन लोगों को दिया है, क्योंकि अब ये एक बड़ी आपदा में तब्दील हो चुकी है। प्राकृतिक आपदा की वजह से यहां पर लोग पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं, कई लोग यहां पर पीड़ित हैं बारिश की वजह से, तो इसी पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए, मौके का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर आए हैं, पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और सीएम धामी के साथ साथ यहां पर पूरा प्रशासनिक अमला भी मौजूद है, तो एक साथ मिलकर यहां बातचीत की जा रही है, विचार किया जा रहा है कि कैसे स्थिति को कंट्रोल किया जाए। कल रात्रि को यहाँ बादल फटने से और अतिवृष्टि होने से जानमाल की क्षति हुई है, 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है और यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए, जो भी मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ आपदा शिविरों में हैं उसमें वृद्ध लोग हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको किसी भी प्रकार की जो है कोई परेशानी न हो, दवाइयां हैं, खाद्य सामग्री है,
और सभी से कहा है कि जो भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको जो आपदा राहत है वो तुरंत तत्काल दी जाए और जनजीवन को सामान्य करना और जो नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको पुनः जनजीवन सामान्य करने के लिए पुलों को दोबारा से जोड़ना, जो भूस्खलन की चपेट में रास्ते आ गए हैं उनको ठीक करना, भवन इत्यादि जहां पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका पुनर्वास इत्यादि, उसी के लिए दीर्घकालीन व्यवस्था बना रहे हैं कि जो भी आकलन किया गया है, पहले जो आकलन किए बनाए गए हैं उसके अनुसार जो भी इस खतरे की जद में आने वाले बरसाती जो हमारे नदी हैं, नाले हैं, गाढ़ गधेरे हैं या जहाँ पर भूस्खलन हो सकता है, ऐसे स्थानों की पूरी जानकारी करके उन स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर और जहाँ जरूरी है वहाँ पर विस्थापन या पुनर्वास। सर हुए कह रहे थे कि पूरा आश्वासन यहाँ पर लोगों को दिया गया है जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं कि हर संभव प्रयास और मदद सरकार द्वारा यहाँ पर इन लोगों को दी जाएगी। यहाँ पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी स्थिति का जायजा लिया है और लोगों को आश्वस्त किया है कि हर संभव प्रयास और मदद लोगों को दी जाएगी। किस तरह से स्थिति को नियंत्रण में लाना है ये भी किया जाएगा, इस पर भी विचार होगा और उसके बाद जनजीवन को कैसे वापस से सामान्य बनाया जाए जैसे कि पहला था। और यहाँ पर बाढ़ और भारी बारिश की वजह से अभी जिस तरह की स्थिति निर्मित हो गई है उसके बाद सब कुछ सामान्य करने के लिए वक्त लगेगा। अब बात होगी हरिद्वार की, जहां पर बारिश अपना कहर लगातार दिखा रही है। हरिद्वार के भारापुर भवरी में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। एक मकान ढहने से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है तो वही 11 लोग इस घटना में घायल हुए हैं। इलाके में शोक की लहर फैली हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर है जो आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर भारी बारिश की वजह से एक घर ढह गया पानी में और घर ढहने की वजह से कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं और इसी की वजह से इलाके में शोक की लहर फैली हुई है। जो परिजन है उनका रो रोकर बुरा हाल है और परिजनों का यहां पर कहना है कि प्रशासन की तैयारियां ठीक नहीं होने की वजह से ये स्थिति आज देखने को मिल रही है। शाम के टाइम में बहुत तेज़ बारिश हुई जिसकी वजह से बोरी डेरा में जो कि रुड़की तहसील का एक पार्ट है, रेवेन्यू विलेज है हमारा, तो वहाँ पे एक मकान की छत गिरने की वजह से लगभग 11 लोग उसमें दब गए थे और जिसमें 2 बच्चों की डेथ हो गई है। उसमें एक आस मोहम्मद पुत्र मुजम्मिल है जिसकी आयु 10 वर्ष है और नजमा पुत्र इल्ताफ उसकी आयु 8 वर्ष है। उनकी दोनों की डेथ हो गई मौके पे और मेहरुन्निसा है वो 60 वर्ष की है तो उसको अभी जया मैक्सवेल हॉस्पिटल में एडमिट किया है, अभी वो आईसीयू में है और साथ में 2 लड़कियां भी वहाँ पे एडमिट है, वो खतरे से बाहर है। तो मैं स्वयं और एसएसपी साहब हम लोग वहाँ पे गए हैं, विजिट करके आए हैं और घायलों से मिल के आए हैं जो वो खतरे से बाहर है। पुलिस कंट्रोल रूम में 8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें बहादराबाद थाना क्षेत्र में एक गांव है भरी डेरा, वहां पर अत्यधिक बारिश के कारण, अतिवृष्टि के कारण जो मकान है जो काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था उसकी छत पूरी नीचे गिर गई थी। उस मकान में कुल 11 लोग उस समय थे जिसमें राहत बचाव कार्य उसका तत्काल बाद शुरू किया गया जिसमें जब तक इनको बाहर निकाला जाता सभी को हॉस्पिटल में भेजा गया था। इस बीच 2 लोगों की मृत्यु उसमें हो चुकी थी, दोनों बच्चे हैं, एक आस मोहम्मद है और एक नगमा जिनकी उम्र 9 और 11 साल के आसपास है। बाकी 9 लोग उनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में भेजा गया है जिसमें 3 लोग को लंडौरा में चिकित्सालय में भेजा गया है, बाकी जय मैक्सवेल में बाकी 3 लोग और अन्य हैं, बाकी कुछ को रुड़की भेजा गया है। सभी जगह पे हमारे पुलिस टीमों द्वारा भी देखा गया, हमारी जो फायर की टीम है वो उसने जाके वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया और अभी सभी लोगों को वहाँ से निकाल लिया गया है और इसके जो कारण है उसका भी पता लगाया जा रहा है। और हरिद्वार से ही एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि सूखी नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। भारी बारिश के बाद
एक बार फिर से नदी उफान पर है। सूखी नदी में कांवड़ियों का ट्रक भी बह गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां पर अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और इस भारी बारिश की वजह से अब जो नदियां पहले सूखी पड़ी हुई थी वो उफान पर आ गई हैं, जो कि होना ही था। लंबे समय से सूखी नदियां और उसके बाद अचानक से एकाएक इतनी भारी बारिश होना, तो उसके बाद क्लाउड बर्स्ट जैसी स्थिति देखना, कई भूस्खलन और ऐसी कई घटनाएं, लगातार कई खबरें सामने आ रही है। इसके बाद सूखी नदी में और नालों में उफान। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त की हरिद्वार से सामने आ रही है। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर अब बढ़ गया है, वार्निंग लेवल से ऊपर गंगा नदी बह रही है और बाढ़ चौकियों को अब अलर्ट कर दिया गया है, चूंकि गंगा नदी अपने जलस्तर से ऊपर बहने लगी है। भारी बारिश की वजह से और बादल फटने की वजह से नदियां नाले उफान पर हैं, गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और तेज रफ्तार से गंगा नदी ने अब बहना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब बाढ़ चौकियों को अलर्ट जारी किया गया है, सचेत रहने को कहा गया है। और हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नैनीताल जिले में भारी बारिश का कहर जारी है। काला डूंगी मेथीशाह नाले में एक कार बह गई, बाल बाल कार सवार दो युवक बचे। नाले में कार बहने का मामला सामने आया है और दो युवक जो कार में सवार थे वो किसी तरह से बाल बाल बच गए। और तस्वीरें बेहद भयानक टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि इस बहते हुए नाले में ये गाड़ी अचानक से बह गई और गाड़ी में दो लोग सवार थे, दो युवक सवार थे, किसी तरह बाल बाल उनकी जान बची है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हल्द्वानी से आपको बता दें, भारी बारिश से उफान पर सभी नदी नाले हैं, नाले में पुलिया का हिस्सा बह गया। काला ढूंगी रामनगर मार्ग अब पूरी तरह से बाधित हो चुका है। इस पुलिया का हिस्सा बहने की वजह से और आवाजाही पूरी तरह से ठप है, आम जनता की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं और जिस तरह से ये बारिश का सिलसिला जारी है, दिन प्रतिदिन जिस तरह की घटनाएं और खबरें सामने आ रही हैं पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर, उसके बाद यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आम जनता की मुश्किलें पहले से ही जिस तरह से बढ़ी हुई है तो आगे और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना आम जनता को करना पड़ सकता है। चाहे आवाजाही की बात करें या यातायात की बात करें, हर चीज यहाँ पर पूरी तरह से बंद है, ठप है, कई मार्गों को बंद कर दिया गया है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से पुलिया का हिस्सा टूट कर नाले में बह गया। और लगातार बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी मसूरी से आपको बता दें, देहरादून मार्ग पर भारी भूस्खलन की घटना हुई है। भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हो चुका है, जेसीबी से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है और पत्थर हटाने की कोशिश भी यहां पर लगातार जारी है। लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन होने की वजह से मार्ग प्रतिबंधित हो चुका है, मार्ग बंद कर दिया गया है और यहां पर मलबा पूरी तरह से सड़क को कवर किए हुए है, पत्थरों से सड़कें भरी हुई है और अब यहां पर प्रशासनिक अमला पहुंचा है पूरे लाल लश्कर के साथ, जेसीबी की मशीनें, हाईटेक मशीनों के साथ यहां अब प्रशासन पहुंचा है और जो मलबा सड़क पर गिरा हुआ है, पत्थर जो सड़क पर है जिस वजह से मार्ग अवरुद्ध है, उसको हटाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और देखिए अब मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है, इसी को लेकर चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्थगित कर दी है। आयुक्त गढ़वाल मंडल ने इसके आदेश जारी किए हैं कि अब चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्थगित होगी। लगातार जिस तरह से बारिश देखने को मिल रही है प्रदेश भर में, उसके बाद अब ये यात्रियों को ये हिदायत दी जा रही है कि बिना काम के अपने घरों से बाहर ना निकले, कोई ट्रिप्स पर यात्री ना जाए और मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फिलहाल के लिए बंद स्थगित कर दी गई है ताकि और यात्री यहां पर ना आए। और अब बात करेंगे देहरादून की, देवभूमि में बारिश से मुसीबत और ज्यादा बढ़ चुकी है, बेहिसाब मुसीबत है यहां पर लोगों के लिए।
भूस्खलन के चलते 126 मार्ग पर आवागमन ठप हो चुका है। पिथौरागढ़ जिला सबसे ज्यादा प्रभावित यहां पर देखा गया है। रुद्रप्रयाग में 10 मोटर मार्ग बाधित है, बागेश्वर में 8, चंपावत में 2 मोटर मार्ग ठप और टिहरी में 11, उत्तरकाशी में 3 मोटर मार्ग बंद। और वहीं अब इस पूरे मसले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण उन्होंने किया। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको, बचाव और राहत कार्यों का जायजा लिया है। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं और लोगों को यहां पर आश्वस्त किया गया है सीएम धामी द्वारा कि हर संभव मदद और प्रयास सरकार से आप लोगों को मिलेगा और जैसा जनजीवन पहले था वैसा ही सामान्य दोबारा से किया जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है, प्राकृतिक आपदा की वजह से जो तबाही और जो तबाही का मंजर देखने को मिला है उसके बाद सीएम धामी ने आदेश जारी किए। उन सब की कार्रवाई चल रही है और जो सरकारी भवन है उनका भी नुकसान हुआ है, उन सभी को रिस्टोर करने के लिए। और चूंकि चार धाम यात्रा भी इस समय चल रही है, चार धाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर ये आपदा और भारी मानसून की वृष्टि के कारण से जो नुकसान हो रहा है या जहां पर भी ऐसे स्थान है। और अब हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए और भी ज्यादा चर्चा उनसे करेंगे। नवीन, पूरे प्रदेश में उत्तराखंड में बारिश की तबाही, बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, पूरे प्रदेश में ऐसे कौन से जिले हैं, कौन से क्षेत्र हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? अजीत पिता, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो बारिश का सिलसिला है लगातार जारी है। देर रात से ही बारिश हो रही थी और इसके साथ ही मौसम विभाग ने, अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने कल को लेकर रेड अलर्ट जारी किया था और देर रात से ही जो बारिश का सिलसिला था वो लगातार जारी था। इसके साथ ही अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए तो राजधानी देहरादून में भी बारिश का असर देखने को मिला था। वहां पर तमाम जो कॉलोनियां है वहां पर जलभराव की स्थिति हो चुकी थी। इसके साथ ही अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग जिले में, टिहरी जिले में और ऐसे नैनीताल, हल्द्वानी, तमाम ऐसे जो क्षेत्र है वहां पर लगातार जो बारिश का सिलसिला जारी था। साथ ही अगर बात की जाए टिहरी की बात की जाए तो टिहरी के घनसाली में जो बादल फटने की घटना सामने आई है वहां पर 3 लोगों की जो है वह मलबे से दबने में मौत हो गई है। और कहीं ना कहीं यह जो सिलसिला है टिहरी का बात की जाए या फिर रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग जिले में, क्योंकि उत्तराखंड में जो केदारनाथ धाम पड़ता है, केदारनाथ धाम में भी यह चीजें देखने को मिली है। वहां पर भी बादल फटने की घटना हुई है और जो 2 पुल थे वह उससे टूट गए हैं और जो यात्रा है वो भी प्रभावित हुई है। साथ ही तमाम अगर बात की जाए ऐसे तमाम जिले हैं उत्तराखंड के जहां पर बारिश का जो सिलसिला था लगातार देर रात से ही जारी था। हल्द्वानी की बात की जाए, हरिद्वार की बात की जाए, राजधानी देहरादून की बात की जाए या फिर टिहरी की बात की जाए, रुद्रप्रयाग की बात की जाए, यहाँ पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी था। चाहे गढ़वाल से लेकर कुमाऊं में जो बारिश है वह लगातार हो रही थी और कहीं ना कहीं अब जो बारिश से तमाम जानमान की हानि हुई है, तमाम चीजें जो है वो खराब हुई है, जो किसान है उनकी कृषि की फसलें खराब हुई है। इसके साथ ही कई जो घर हैं वो अभी टूट चुके हैं। अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर अभी आपदा प्रबंधन विभाग पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसे चाचौबंद करने का काम किया जाए। साथ ही जो जिलाधिकारी है उन्हें भी निर्देशित किया है कि जहां पर ऐसी घटनाएं हुई है वहां पर तुरंत राहत बचाव कार्य किया जाए और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उन्हें विस्थापन की व्यवस्था की जाए और उनके रहने और खाने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग में भी यही हालात है। रुद्रप्रयाग में तमाम जो यात्रा है फिलहाल के लिए अभी रोक दी गई है क्योंकि जो पुल थे वह प्रभावित हुए हैं क्योंकि देर रात बारिश आई और बारिश में मलबा आने से जो पुल है वह पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। जो पैदल मार्ग है वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जो जिला प्रशासन है वह अभी अलर्ट मोड पर है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम विषयों की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और अब से अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने हालातों का जायजा लिया है और तमाम आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जाए, ग्रामीणों को विस्थापित करने का काम किया जाए। साथ ही
क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा चल रही है, वह प्रभावित ना हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो यात्रा मार्ग है उसे सुचारू किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में 216 जो संपर्क मार्ग हैं अभी तक की, माफ कीजिएगा, 226 जो संपर्क मार्ग हैं। ठीक है नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता हरिद्वार से जुड़ गए हैं विकास खरे, उनसे भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। विकास, पूरे प्रदेश में तबाही का मंजर, तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई है वो इतनी भयंकर है कि प्रशासन की तैयारियां फीकी पड़ गई, या ये कहें कि प्रशासन ने उस तरह की तैयारियां ही नहीं की जो होनी चाहिए थी। विकास, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो देखिए, लगातार ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपडेट्स इस पर साझा कर रहे हैं। जो बारिश की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां यहां हो रही हैं। और विकास खरे एक बार फिर से हमारे संवाददाता हरिद्वार से जुड़ गए हैं। विकास, मेरा सवाल यह था कि जो प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड में आई है, तबाही जिस तरह से मची हुई है, क्या प्रशासन की तैयारियां इसके आगे फीकी पड़ गई है, या ये कहे कि उतनी तैयारियां हुई नहीं उस स्तर की जितनी होनी चाहिए थी? चलिए, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे संवाददाता हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। एक बार फिर से नवीन, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। नवीन, जिस तरह से यहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही है, तबाही की तस्वीरें खासतौर पर, अब यहां पर जो प्रशासनिक प्रणाली है उस पर भी थोड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि तैयारियां नाकाफी हैं, क्यों बार बार यही चीजें रिपीट होती हैं, सबक प्रशासन क्यों नहीं लेती? जी निश्चित तौर पर, अगर देखने वाली बात यह है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, तैयारियों की बात की जाए तो लगातार तैयारियां होती रहती हैं, क्योंकि मानसून की दस्तक के साथ ही तमाम जो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जाता है, इसके साथ ही जो डेंजर जोन है उसे चिन्हित करने का काम किया जाता है। दैवीय आपदा है, प्राकृतिक रूप से बारिश हो गई, और बारिश के बाद यह जो अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कहीं जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर चाहे आला अधिकारियों की बात की जाए या फिर शासन की बात की जाए, तो शासन स्तर से मॉनिटरिंग की जाती है, लेकिन बारिश का जो सिलसिला है देर शाम से ही काफी तेज था, तो जिस वजह से अभी जो आपदा की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो राहत बचाव का कार्य है उसे पूरा करने का काम किया जा रहा है, जो लोग इससे हताहत हुए हैं उन्हें एयरलिफ्ट करके जो चिकित्सालय है वहां पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो कहीं प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर अपनी नजर जमाए हुए हैं। अभी वह टिहरी का उन्होंने दौरा किया है, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, और तमाम जो आला अधिकारी हैं उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं कि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाए, किसी भी प्रकार से जो लोग जानमान की जिन्हें हानि हुई है उन्हें तुरंत उन्हें मुआवजा की राशि देने की बात हो या फिर उन्हें विस्थापित करने की बात हो, तो इन सब विषयों पर काम चल रहा है। लेकिन पहली प्राथमिकता यह है कि जो लोग हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाला जाए, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। नवीन, यानी कि पहली प्राथमिकता यही है सरकार प्रशासन की कि जो पीड़ित लोग हैं उनको किसी तरह से बचाया जाए, बाहर निकाला जाए, व्यवसाय मुहैया हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।